दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए राकेश डायना क्लासेस को और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आएं या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास आ जाए सबसे पहले। दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो कि आज हम बात करने वाले हैं आपका हरियाणा ग्रुप डी का जो रिजल्ट आया, ठीक है। आपका रिजल्ट आ चुका है, जिसने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है वो PDF डाउनलोड कर सकता है डिस्क्रिप्शन के अंदर से। डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि साइट बिल्कुल बिजी चली हुई है, वहाँ से डाउनलोड करना इतना इजी नहीं है, लेकिन आपके लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर से। आप डाउनलोड करके एक बार आपका रिजल्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि कट ऑफ क्या रही है आपकी बार, ऑफिशियल कट ऑफ है जो वो क्या रही है, चाहे वो बात कर रहे हैं जनरल की, SC की, BCA की, जितनी भी कैटेगरी थी उन सभी की हम कट ऑफ देखेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ वेट लिस्ट में कौन कौन रहा है, कितनी कट ऑफ है वेट लिस्ट की, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल की कट ऑफ क्या रही है। देखिए इसके अंदर पोस्ट थी जो 18,000 से भी ऊपर पोस्ट थी, जो कि एक अच्छी पोस्ट है। जहाँ पर बात करते हैं यदि एग्ज़ाम लेवल की, तो एग्ज़ाम लेवल कहीं जो आपकी शिफ्ट थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम आया था, कहीं आपका शिफ्ट थी जो कि बिल्कुल ईजी आया था। बट फिर भी देखते हैं कट ऑफ क्या रही है। यहाँ पर देखिए जनरल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 69 मार्क्स। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। सभी का दावा था कि कुछ कह रहे थे 60 के आसपास, कोई 57, 55, तो ये सब सभी का झमेला था। लेकिन जो कट ऑफ गई है वो गई है 69। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने कट ऑफ ली गई है आपके ऑफिशियल PDF से ली गई है। आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं, PDF देखिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ उसके मार्क्स दिए गए हैं, तो वहाँ से हमने ली गई है। SC की बात करता हूँ तो 60 मार्क्स SC की रही है यहाँ पर। BCA की रही है यहाँ पर 63 मार्क्स। BCB कैटेगरी की रही है 64 मार्क्स। वहीं बात करते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज की, जहाँ पर ESM यदि जनरल में आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपके 40 मार्क्स की कट ऑफ रही है, हालांकि ये बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू आपकी जनरल SC BCA। उसके बाद ESM SC की बात करता हूँ तो 45 मार्क्स आपके रहे हैं। सिमिलरली BCA में यहाँ पे 58 मार्क्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आपके जनरल और SC के रहे हैं। लास्ट आपकी जो BCB वहाँ पर 37 मार्क्स रहे हैं, यानी कि 37 मार्क्स। उसके बाद बात करता हूँ ESP कैटेगरी है जो आपकी, उसमें जनरल की जो रही है वो है 45 मार्क्स, SC की 40 रही है केवल, BCA की यहाँ पर देखिए 44, SC से ज़्यादा रही है, BCA की 44। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं BCA में 63 है, यहाँ पर भी 58, एक देखा जाए यहाँ से इनके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात करता हूँ लास्ट यहाँ पे BCB कैटेगरी की 46 मार्क्स रही है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वेट लिस्ट के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या आपकी वेट लिस्ट रही है। तो वेट लिस्ट वालों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए ये आपकी वेट लिस्ट है जो कि ऑफिशियली है। वेट लिस्ट में क्या है कि वेट लिस्ट जनरल की रही है 68 मार्क्स, केवल एक मार्क्स का ही यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलता है। जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो है 69 मार्क्स। वेट लिस्ट में केवल वही कैंडिडेट है जिनके 68 मार्क्स है। SC की बात कर लेता हूँ, 59 यहाँ पर है, यहाँ पर भी केवल एक ही मार्क्स का डिफरेंस है। सभी जगह यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल कैटेगरीज है वहाँ पर केवल एक मार्क्स का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। BCA में 62 वेट लिस्ट पर है, BCB 63। वहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ, ESM में जनरल की 38 है, ESM SC में 35, ESM BCA में 41। जहाँ पर आपकी देख सकते हैं ये थोड़ा सा, जहाँ पर 58 से डायरेक्ट BCA में वेट लिस्ट 41 है, इनकी चांसेस है स्टूडेंट्स के। ESM BCB 32। ये आपके जो मार्क्स हैं मैं आपको बता दूँ कि ये 100 में से मार्क्स आपके 10 आपके इकोनॉमिकली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उनके बेसिस पे लगे हैं, और 90 मार्क्स का आपका रिटर्न था। टोटल मिला के यहाँ पर कट ऑफ तैयार हुई है वो आपकी ये कट ऑफ है। उसके बाद BCB में 32 मार्क्स है। स्पेशल कैटेगरीज की बात कर लेता हूँ, ESP में जनरल की 42, SC की 36 और BCA की 40 और यहाँ पे BCB की 41। तो ये आपकी वेट लिस्ट है, आप आपका जो रोल नंबर है वो वेट लिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, पोस्ट जब कई बार डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं मिलते हैं, कई बार आपके जो चेकिंग होती है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। हालांकि देखिए आपका
जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस कट ऑफ से संतुष्ट है या नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या ये कट ऑफ एक सही मायने में दी गई है या नहीं दी गई है? तो उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट जल्दी ही आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।